पैगंबर मेरे बात फिर बोली जाती है भाई के भाभी कहा कि कह दो बहन बहन इसलिए नहीं कह सकता हूं कि बहन एक सुपड़ खामी का ही थी लेकिन मां पे आज तक कोई कलंक नहीं लगाए इसलिए मैंने तुमको मां कहा है। गाल बेशक बजाते रहना जाने दौड़े ले नोई तो फिर क्या करेगो तुम्हें शर्म नहीं आई कितनी इज्जत से बात कर रहा हूं भाभी जी बताओ आप और उनकी भाषा शैली देखी मर गो जामे अंग सुना है ये तुम्हारी भाषा शैली है और मैं जो इज्जत से और सभ्यता से बोल रहा हूं यही पहचान है वीरेंद्र शर्मा जी की यही पहचान है केवल और तुम जो उधर से बोल रहे हो कि मर गो जामे अंश दी करो ऐसे ही करते रहना तुम सब अखाड़े वाले लेकिन जिस पर गुरु का प्यार होगा वो पट्टा चमकदार होगा। मैंने पहले ही कहा था ओढ़ ले लोई तो क्या करेगा कोई। अब आप एक बात बताएं कि जब वो रुक्कम वहां से चला गया तलवार लेकर के हाथ में तो फिर वो के किससे रहा था और कि मैं तो पीछे पीछे भागत रहे लेक के हिसाब से तो तुम पर छंद लड़ा नहीं मेरे भाई बकने के लिए कुछ भी बकना। एक मैंने गीत गाया उस गीत में मैंने पूछा कि सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति मैंने तो कई पंडित जी राम राम बोले बैगन लाया हूं मैंने बाल बच्चे ठीक है कि भत्ता बनाऊं मैं पूछ रहा हूं भारत की नारी किसको अपना कहे पति वो कह रहे मोर मोरनी की और पहला भी जवाब सिर वाला भी जवाब दे दिया और घर वाला भी दोनों जवाब दे दिए। मैं एक पूछ रहा था दोनों में से एक बताओ सही कौन सा है तुमने दोनों गा दिए ये कौन सी बात रही है ओढ़ ली लोई तो क्या करेगो बेशरम बन जाओ एकदम आजकल की रसियाबाजी है सामने वाले ने कहा कई बार ध्यान मत दो बिल्कुल बेशरम बन जाओ और चोर छिलट्टा ज्वारी और इनते गंगा अब पता क्या कहूं इनते। एक मैंने कहा था कि उनका नाम शंभू मेरा क्या मतलब था कि धरती से पैदा हुए कि आकाश से पैदा हुए क्या मतलब है मैंने कहा था शंभू नहीं स्वयं भू और शंभू शब्द उसका अपभ्रंश है जो तुम बोल रहे थे। नेक मैंने एक मजाक में छोटी सी बात कह दी कि चिलंबाजन में नाम रख लो अच्छा भगवान कसम हो ना मालूम ही इनमें कोई चिलंबाज मगर इनमें ऊपर दे आके अपने आप में जो शराबी तो तुमने जो जाहिर कर दी कि हाँ हम चिलंबाज हैं हम तो रोजाना मैं पीने जा रहे होंगे पीछे का धमन है जा रहे अच्छा एक बात चलो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो अभी डीएनए टेस्ट कराइए अगर एक भी बूंद आज की तो चले गया जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से अगर एक भी बूंद साबित कर दे तो कोई भी पब्लिक का आदमी मेरा कान पकड़ के पांच जूते मुझे यही लगाए हम तो अपनी बात कर रहे हो। एक मैं इधर से रसिया का मैंने जवाब दे दिया छंद का जवाब दे दिया और सबरी बातों का छोड़ के फिर पलंग से इधर से लेके आए कि देख पीछे पीछे रुक में भाजरो सेनापति और बाबा एक में कहके जा रहा हूं शर्मा जी तुमते क्या कि बेटा और बाप दोनों जा रहे बेटा हाँ भैया हम तो वैसे ही आपके चरणों की धूल है जनता से बड़ा कोई नहीं है बेटा और बाप दोनों जा रहे और बेटा ने बाप से कही कि जो बड़ी चीज होगी बाय तो मैं लूंगो और जो छोटी चीज होगी बाय तो ले ली हूं। अब उनने क्या करो कि माते तो शादी कर ली वह बेटा ने और बेटा और बेटी से शादी कर ली राजा ने तो उन दोनों ने रिश्तेदारी का ही जेऊ बताऊंगो। और उधर से आप क्या कह रहे थे कि मैं ये मूर्ति बेच रहा हूं है? अब तेरो तो काम बेचने को है अब खरीद में बारह तो मिलेगा बिल्कुल मिलेगा अब मैं तुम्हें खरीद के बताऊंगा
कि कौन कौन सी मूर्ति देगा और इसी नंबर पर दंगल आर पार का कर दूंगा, ये भी मेरा दावा है तुम्हारे साथ। हरी भाषा बजाए। एक बात और कह रहे थे हमारे गोपाल भाई, आपका काफिया अशुद्ध है, ता और था। अरे पागल खोपड़ी, ता और था का संबोधन एक ही होता है। नहीं नहीं, व्याकरण की बात है, जो कह रहे व्याकरण नहीं पढ़ा है। अरे व्याकरण हमारे रसिया वालों में फेले या क्यों व्याकरण है तो बता। देखिए माला स्त्रीलिंग, बाला स्त्रीलिंग, तो फिर ताला पुरलिंग क्यों है बताइए। आदमी के जितने भी पहनने के सौदे, अंगूठी स्त्रीलिंग, घड़ी स्त्रीलिंग, शर्ट स्त्रीलिंग, और औरत के जितने भी पहनने के पेटीकोट पुरलिंग, ब्लाउज पुरलिंग, मंगलसूत्र, तो व्याकरण तो फेल है। बोले हाथ और हाथ, ये बेकार की बातें हैं। मेरी तरफ से नंबर सुने हाजी मासा। को लाल हो
मेरो पानी भरे तेरी है खूब सेखी ही पहचान तेरी है जग में ऊंची ही कमान तेरी है और तुझ में और हम में फर्क सिर्फ इतना है
केवल हल्की जबान तेरी है। मैं नहीं जानता और मैं तो तुम्हारे भी चरणों की धूल हूं, लेकिन जाको सत्यानाथ जाए जा में अनसुना है भैया मेरो, और वो तो मरेगो बताइए, ये तरीका नहीं होता गायकों का। लेकिन है जो जैसी सोबत में बैठता है, जैसी सोबत में बैठता है वो बात वैसी ही करता है। कहना अब जनानी बेच रही, तो जनानी जब बेच रही तो एक लोड़ा पहुंचेगो जा को, और इस मूर्ति का नाम नहीं बोला होगा इनने। हाँ आयो, अच्छा अरे तेरो देवे को काम मेरो लेवे को काम। देख ए मूर्ति वाली, तेरो देवे को काम मेरो लेवे को काम, तेरो देवे को नाम मेरो लेवे को काम, और चाहे लग जाए कितने उधाम, न लुंगो काऊ पहलवान की, चाहे वो तेरे हनुमान से ही, मैं तो अपनी मर्जी की लूंगो, ना मैं हनुमान की लूंगो, ना गणेश जी की लूंगो, ना विष्णु की लूंगो, और जाकी मेरी इच्छा होगी बाकी लूंगो लूंगो क्या। तेरो देवे मैं नाम मेरो लेवे को काम, और चाहे लग जाए कितने उदाम, न लूंगो काऊ पहलवान की, न लूंगो काऊ पहलवान की, तेरो देवे में नाम मेरो लेवे को काम। देगीरी ओ मूर्ति बारी, तेरो देवे को नाम मेरे बोरे, मैं एक मिनट गया है, एक मिनट गया, आजा बोरे कुत्तन बोरे, तुम्हें मेरी किस्म है बोरे, देखो जो कह रहे हैं कि पक्ष बात कर रहे हैं, मेरे खलीफा है इन्हें बुलाए कि ना मंच पे, उस्ताद आए तेरे को, उस्ताद आए कि ना आए, तो तुम्हें आयु में चोटल लग रहा हो, मेरे तो तुम उस्ताद हो, तुम खलीफा हो, अरे नेक आया, अच्छा ना आओगे तो चाहे कितने हो तुम कह रही हो नीचे। देखो जो पब्लिक सब देख रही है, यूट्यूब भी देख रहे हो, न गोपाल की मैं लूंगो, न गोपाल की मैं लूंगो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो, न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो, और अगर तेरे पास है तो दे दे उन्हें, कल तेजा मोहल्ला में मूर्ति बेच भी आई हो मत, न गोपाल की मैं लूंगो, ना नारायण की लूंगो, न गोपाल की मैं लूंगो, ना नारायण की लूंगो, और कह दूं अगर बात अच्छी लगे तो जैसे इन्होंने तालियां बजवाई थी ऐसे एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा, न गोपाल की मैं लूंगो, ना नारायण की लूंगो, न गोपाल की मैं लूंगो, न नारायण की लूंगो, और दे अरे पंडित है जे बहुत बड़ा, मैं जा रावण की लूंगो, एक तीन मूड़ को देखो,
तीन मुड़ू को देखो एक बहू ना देखो एक तीन मुड़ को और देख एक लंबी सूड़ को एक तीन मुड़ को एक लंबी सूड़ को एक तीन मुड़ को एक लंबी सूड़ को बाबा चुरी जा रहे हो पीछे दिए रे एक तीन मुड़ को एक लंबी सूड़ को और देख तीन मुड़ को एक लंबी सूड़ को लुंगो गीता के ज्ञान की बेबे को पापते हो बेबे को बता रहे हो जो कृष्ण भगवान ने गर्दन काट के टांग दी थी
तू तो बात टाइम पर जब शंकर भगवान की शादी नहीं कही तो परमलिया आओ ना परमलिया ले आओ बात तुमने बना रहा हूँ स्वयं भू मैंने पूछा था अगर तुम्हें यकीन ना हो तो भोलेनाथ के माँ और बाप का नाम बता देना क्या इन्होंने बताया भोलेनाथ के माँ बाप का नाम नहीं बताया ब्रह्मा जी गए एक खम्मा में थे पैदा भाई लोग कह रहे खम्मा में थे शंकर जी पता आज मैंने पहली बार सुनी कि शंकर जी खम्मा में थे पैदा भाई बताए तो दे दो अरे खम्मा में थे इन बातों को मत किया कर तू तो भी बच्चा है मैंने जमाना देखा गीत लिखता है मेरे साथ राजेंद्र सागर जी की यात्रा रामलीला ग्राउंड में गाना लिखता है इसका लिखा हुआ एक गीत इस नंबर पे जरूर सुनाऊंगा मैं और शायद आपको पसंद आएगा बर्मनिया के बिना शादी नहीं हो सकती चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे कोई हो वो द्वापर वाला जो टांग दिया था उसको बर्मनिया नहीं कहते अब फिर बताना अगले नंबर पे बर्मनिया फिर गाल बजाएगा देखो कुछ ना कुछ जाके उस्ताद कुत्तर कोहरे ने दी सिखाई है बर्मनिया द्वापर में ही चाहे कोई बात नहीं मेहंदी लगा के रखना होली सजा के रखना मेरे को तुझे गोरी मेरे को तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा पहले तो टक्कर ही ना है नौकरे चाहे तुम तो वैसे ही लड़ ले और चाहे नौकर के लड़ ले चाहे तकरी में तुल जाओ अरे मेरे हाथों से लुगाइयों से लड़ने का काम नहीं है मर्दों से लड़ा जाता है जो औरतों से लड़ते हैं वो ना मर्द होते अरे तुम्हारे यहाँ कोई मर्द हो देखो जनानी थे तो जनानी की टक्कर है रही है तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी टक्कर मोते है रही है ना समझने को समझते रहना मुझे कोई मतलब नहीं समझते रहना लेकिन तुम्हारी टक्कर जनानी से जनानी और जनानी हाँ मेरी टक्कर इस भाई से जरूर है लेकिन मैं भी इसकी टक्कर के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं छोटों का हमेशा सम्मान करता हूं मैं तुमसे क्या लड़ूंगा तुम मेरे भाई हो अरे लड़ना काम तो उनका होता है जिनकी कलम में ताकत नहीं होती जिनकी कलम में ताकत होती है वो कभी लड़ते नहीं रिश्ता पूछ रहे थे आप कि बेहतरी से ब्याह कर लिया बेटे ने और बेटे ने ब्याह कर लिया मेहतारी से अब जब बाप से उसकी शादी जिससे बाप की शादी होगी वो माई होगी चाहे बेटी हो चाहे कोई हो उसको माही कहेंगे पहला रिश्ता अब दूसरा रिश्ता बेटे का क्या हुआ जिससे बेटे ने शादी कर ली वो चाहे माँ हो चाहे बुआ हो वो उसकी बहू ही कहलाएगी दूसरा रिश्ता अब तुमने तीसरे और चौथे रिश्ते पूछे तो पहले तो थे वो बाप बेटा फिर बाद में बन गए ससुर जमाई तुम्हारे चारों रिश्ते मैंने खोल करके बता दिए लिखा हुआ मेरे पास रखा है लेकिन ये घड़ी भी मुझे देखनी है इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा ही जवाब देने के लिए नहीं आया तुम्हारे पीछे लग जाऊं सवेरे का गाय के गए हो एक चीज सुना करके जाऊंगा आपके इस बच्चे ने लिखी है फिरोजाबाद वाले ने अब एक प्रश्न मेरी तरफ से आता है ये लेकिन आप पे मेरा जवाब नहीं हुआ कि सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति दो उत्तर दिए आपने दोनों नहीं मानूंगा एक बताइए या तो मोर मोरनी वाला सही करो तो वो मेरा जवाब नहीं है क्योंकि वो किस्सा मोर मोरनी का है मैं पूछ रहा हूं भारत की नारी और आप कह रहे हैं कि भारत की नारी की अगर बात करो तो वो सिर वाले को पति कहेगी हैं? तुम सिर पे हाँ तुम उस घोपड़ी से पैदा करो होगे तुम्हारे पिताजी ने और कहा नहीं घोपड़ी से पैदा करे के नीचे वाले हिस्सा थे क्या बना देख रही हूं लेकिन काल बजाना सिद्ध और भैया हकीकत बता रहा हूं काल बजाए में बारे में तो मैं कल्लू हारो और देखो आज हारो और हमेशा हारूंगा क्योंकि काल बजाए में बारे में तो कोई जीतो ही ना है आज तक अब मेरा प्रश्न सुनिए तुझे आएंगे तेरे सजना
कहानी पड़ी है पिछली। अब जो कह देंगे जो 20 साल पुरानी गा रहा हूं, गा रहा हूं अपने बाप की, बाप की पी के मधुआ राय बारे की ना गा रहा हूं। अरे मोहे मारो है उन्हें डंडा करो हमारो है। अरे तुम मुरसान से आए हो, अपना कुछ दिक्कत के लाते, चाहे मैं पुरानी गाऊं चाहे नई गाऊं, है तो मेरी कहानी पड़ी है पिछली और लेखों में सिर्फ इकली। कहानी पढ़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली, कहानी पढ़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली। और कैसेट वाले हो, एसके स्टूडियो, यही नाम है आपका एस? ये सत्य बात है भाई साहब, हमारे भाई कह रहे थे गोपाली हम यूट्यूब को लगने नहीं देते, लेकिन आपका बड़ा नाम सुना है हमने, तो मैंने गोपाल जी से कहा शुरू में, मैंने गोपाल भाई ये स्टूडियो लगा हुआ है, तो गोपाल जी बोले मनोज भाई इस पे जरूर गाना, क्यों कि शायद इससे तुम्हारे किस्मत का तारा चमक जाए, तो मैं भी इंतजार करूंगा आपके इस एसके स्टूडियो का, ना जाने किस दिन मेरा भला हो। एक बार जोरदार ताली जरा भैया के लिए बजाएं। ये प्रश्न मैं दे रहा हूं और लखनऊ कानपुर तक आपका ये कैमरा चलता है, इस कैमरे के जरिए मेरा ये प्रश्न वहां तक पहुंचेगा। कहानी पड़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली, कहानी पड़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली। पता कौन सी जटा से, पता कौन सी जटा से, पता के सर पे। कहानी पड़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली, कहानी पड़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली। भैया बैठ जाओ भैया। कहानी पड़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली, पता कौन सी जटा से, शंकर जी के सर पे। बता कौन सी जटा से वो गंगा की धार निकली, कहानी पड़ी पढ़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली, कहानी पढ़ी है पिछली लेखों में सिर्फ इकली। कह कौन सी जटा से, कह कौन सी जटा से गंगा की धार निकली। वो कौन सी जटा थी जिसमें से गंगा की धार निकली, छट की ही अलग छटा है, छटती नहीं छटाए, छटती अलग छटाए, छटती नहीं छटाए, छटती अलग छटाए, छटती नहीं छटाए। महादेव जी के सर पे और कितनी बता जटाए, महादेव जी के सर पे बता दे कितनी जटाए। केवल ज्यादा बड़ी बात नहीं, कौन सी जटा से गंगा की धार निकली और महादेव जी के सर पे कितनी बता दे जटाएं, केवल इतना सा पूछना है। आपके पास ग्रंथ भी मौजूद है, लेख भी मौजूद है, पुराण एक मिनट में निकालना होगा, मुंह पे धरो है जो कह रहे लिंग पुराण रहे हो या मुके साहब तभी तो मैं बताई कि बरबड़िया को लाए हो लिंग पुराण तो मुझे वो छुराएगी। महादेव जी के सर पे कितनी बता जताए, सागर में भर के कागर। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं इस पैसे के लायक नहीं हूं, लेकिन हमारे गोपाल भाई ने बहुत बुरा आज आरोप लगाया मेरे ऊपर, कैसी बातों को क्यों करता है, माँ बाप तो हमारे उम्र है। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोबत वैसा आपका फर्ज। सागर में भर के गागर, धरती पे आके टिकली,
बता कौन सी जगह से, बता कौन सी जगह से वो गंगा की धार निकली। पूरी रात पीछा नहीं छोड़ूंगा गोपाल तेरा। अरे कह गए खिंचो आ तेरा रो, और वो नए गंज को बनिया है। और फिर पूछ रहा हूं, अरे देख भोले बाबा की शादी में बेटा को लायो भर मनिया है। के ऊपर गई चले।
भैया गोपाल भाभी जो कह रहे बहन कह रहे बहन ना कहूंगो सुपर खाने सत्यानाश करा दो रावण को भाभी कहूंगो होगी दे एक माँ और एक बेटा बेटा तो स्कूटर चला रहा था और माँ स्कूटर में बैठी हुई थी इसके वाले हो बेटा स्कूटर चला रहा था और माँ स्कूटर में बैठी हुई थी अचानक एक दच्ची आ गई और दच्ची पे स्कूटर पलट गया माँ गिर गई तो बेटा एकदम पहुंचो भाग के और भाग के पहुंचो अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैं भूल रहा था पहले केस म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन संजय सिंह राठौर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं हम क्रांति बालाजी के और बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा आपसे। अब जब माँ गिर गई मेरी माताएं बहने सुनना गौर से और इस जवाब का भी फैसला आप ही करना। जब माँ गिर गई तो बेटा जैसे ही उठाने के लिए पहुंचा तो माँ ने रोक दिया ए रुक जा बोले क्यों ये सुन पहले मेरी अब क्या कह रही है माँ अरे तेरे तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग गोपाल भैया आपसे बदतमीजी तो नहीं बोल रहा हूं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं केवल अपनी कविता गा रहा हूं ये विजेंद्र गुरु की पहचान है तेरे पापा ने जो ना छुओ मेरो अंग अरे मुड़ वही ते पकड़े उठा
जैसे बहु ऐसी तुम बनो बेल्डिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अखाड़े की सभ्यता है, वो जो कुछ बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। माताएं बहने बैठी है यार, कैमरा सामने लगा हुआ है, और जिस आदमी में कैमरे पे खाने की तमीज नहीं। हाय हाय हे रे हे रे ओए हे रे हे रे हे रे चाको हल्ला चारो लगे आए वही ते पकड़ उठाए। सुनो लल्लू, मैं देखूंगी तो तू कितना, अरे मैं देखूंगी तो तू कितना, मैं देखूंगी तो तू कितना, और तू मत नारार मचइयो। मैं देखूंगी तो तू कितना, तू मत नारार मचइयो। और एक अंग है मुझे मालूम है, लेकिन देखते हैं हमारे गोपाल भाई क्या जवाब। गोपाल भाभी भाभी ओ भाभी है मेरी जान, कि मेरी जान तो मैंने गोपाल से कहा है, लेकिन जब आप इस रूप में धारण है तो आपसे तो केवल भाभी ही कहूंगा। मत नारार मचइयो, अरे एक बात तू मोए बता दे, अरे मत नारार मचइयो। जो अंग ना छुओ, जो अंग ना छुओ, तेरे बाप ने तुम्हें के और चुर्र को काम करा, और
दुनिया में मशहूर भाग मेरा खिंचो आवे चाहूंगा जो मेरी औकात है जिस औकात में मैं दंगल गाया करता हूं एक गीत आपके चरणों में रखूंगा थोड़ी शांति का दान दें तालियां वालियां आपने बहुत बजाई है प्लीज अब मत बजाना केवल अपना आशीर्वाद देना मुझे हाजी मां साहब जिंदगी प्यार का गीत है जो हर दिल को गाना पड़ेगा जहां से
उतना अधिकार मिलता वहां से, ओ जिसका जितना समर्थन जहां से उसको अधिकार मिलता वहां से, ए, जिसका जितना समर्थन जहां से उतना अधिकार मिलता वहां से, के फल मीठे अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, जा अरे फल मीठे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। और गोपाली कितनी इज्जत से बात कर रहा हूं, कपड़े कितने भी अरे कपड़े कितने भी उजले पहन लो, कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके कपड़े कितने भी उजले पहनो, मन के गंदे तो हो ही चुके। अब दोस्तों अंत में साथ जाए न धेला, अरे अंत में साथ जाए न धेला, मोह माया गुरु और चेला, ये गीत मैंने नहीं लिखा, इस बच्चे ने ये गीत लिखा है। एक बार इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं, क्यों कि अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा साथ कौन देगा, और जब हमें साथ रहने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। जब तक इन लोगों हम लोगों के साथ ऐसे भाई नहीं मिलेंगे तो रसियाबाजी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बेटा, अंत में साथ जाए न खेला, अंत में साथ जाए न खेला, और मोह माया गुरु और चेला, चचा ये हंस जाएगा, ये हंस जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो, अरे हंस जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो, अरे कपड़े कितने भी, बेटा तूने लिखा है कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो ही आपकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं गोपाल भाई,
अगर आपकी मैं थोड़ी सी कल जाकर के हाथरस में तारीफ कर दूं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। अरे यार ये तो गोपाल की तारीफ कर रहा हूं, और अगर बुराई कर दूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। हैं? तो ना बढ़ाई और ना बुराई दोनों में से कुछ काम नहीं आती है बेटा। साथ जाए साथ जाए बुराई भलाई, साथ जाए बुराई भलाई, और काम में आज तक कुछ ना आई। इसलिए अरे थोड़ी ईश्वर की चचा, थोड़ी ईश्वर की कर लो दोहाई। बोझ पापों का ढो ही चुके हो, थोड़ी ईश्वर की कर लो भलाई। बोझ पापों का ढो ही चुके हो। और चचा अरे कपड़े कितने भी, ये कपड़े कितने भी उतने पहन लो, मन के कंटे तो हो ही चुके। और अपने गीत का आखिरी बंद बोलूंगा, लांगे नसीरों के सातों समंदर, लांगे नसीरों के सातों समंदर, लांगे नसीरों के सातों समंदर, जल रही जोत दुनिया के अंदर, बाबू का ये जो लाइन इसने डाली थी लोटे ने मेरे दिल को छू गई थी। उस समय मेरे बजेंद्र गुरु बीमार पड़े हुए थे, इसने ऐसी लाइन डाली कि मैं गदगद हो गया। हमने लांगे रस्सियों के सातों समुंदर, चल रही जोत दुनिया के अंदर, के खिंचो कहते अरे खिंचो कहते खड़ा हो बिजंदर, के खिंचो कहते खड़ा हो बिजंदर, नींद में बहुत सो ही चुके हो। खिंचो कहते खड़ा हो बिजंदर, नींद में बहुत सो ही चुके हो। और बाबा साउंड सर्विस वाले अरे कपड़े कितने भी, बता इनके पैर छू जे तेरे दादा गुरु है। अशोक भैया यही तो मैं चाह रहा हूं। अरे खिंचो कहते खड़ा हो बिजंदर, और नींद में बहुत सो ही चुके हो। कपड़े कितने ही उजले पहन लो, मन के रड़े तो हो ही चुके। बेटा ये बाबा साउंड अग्रवाल धर्मशाला नंबर वन लोहा मंडी चौराहा फिरोजाबाद। भैया हमारा तो ध्यान आप रखते ही रहते हैं, लेकिन ये नया साउंड खोला है, इन साउंड वालों का भी ध्यान रखें, बहुत अच्छा।